नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्स, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेम नंबर 44 के बारे में। 44 अगर आप इसको ऐड करते हैं 4+4 तो 8 आता है। तो मतलब ये जो 8 है इसमें 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जो 8 का एजेंडा है ये इस 4 को ही कम्प्लीट करना है, 44 को। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो देखना है टिल नंबर 43 का, तो आई आइकन पे जा करके आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे नेम नंबर के बारे में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 44 8 के बारे में। क्योंकि यहाँ 4 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, तो पहला बात तो श्योर है ये हेल्थ को आपका इम्पैक्ट करेगा। लेकिन 4 हार्डवर्किंग है और 2x4 आ रहा है, तो ये पैसे वाइज बहुत ही ज़्यादा मेटरलिस्टिक सक्सेस देगा। अगर आप रियल इस्टेट में काम करते हैं तो वेरी गुड, अगर आप व्हीकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो गुड, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड, आयरन कोर, जो अर्दी मटेरियल होता है उससे कोई भी काम करते हैं आप, तो ये आपको सक्सेस दिलाएगा। क्योंकि आप हार्डवर्किंग हैं ही और इसमें 4 और 8 का नंबर भी है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। इनफैक्ट सिनेमा इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में भी ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा। तो सिनेमा हो गया, रियल इस्टेट हो गया, आपका व्हीकल, मोटर व्हीकल, ट्रैवल हो गया, तो ये सारे जगह पे ये आपको सक्सेस। इसके अलावा जो है फर्नीचर हो गया, कोल माइंस, ये सारा चीज़ जो नंबर 8 से रिलेटेड होता है वो काम, और प्रिंटिंग प्रेस जो है ये भी उसके अंदर आता है, इंक बेसिकली। तो ये सारा इंडस्ट्री जो है आपको ये नंबर सपोर्ट करता है और आपको उस एरिया में सक्सेस दिलाता है। मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस जो है, जिसमें जैसे कैश ट्रांजेक्शन्स होता है, बैंकिंग, ये सब भी इसमें के अंदर आता है, तो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि नंबर 8 जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बताता है, और अर्थ रिलेटेड जो कोर बिजनेस होता है जिसमें पैसे रहते हैं, वो हर बिजनेस को ये सपोर्ट करता है, तो वो सक्सेस दिलाता है। लेकिन इसका जो निगेटिव साइड ये है कि ये आपको ऊपर तो ले जाता है, लेकिन फिर कुछ इशूज़ हैं, जैसे कि बिल्डिंग में आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हेल्थ इशू होना या लीगल इश्यूज होने, ये वाले सब प्रॉब्लम भी जो है बाय डिफॉल्ट आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पैसे जो कमाने का जो तरीका है, इसमें अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर आप कोई और मेथड यूज़ करते हैं, तो जा करके ये आपको ट्रबल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपका पैसे कमाने का तरीका जो है प्रॉपर है, पाथ सही है, तो फिर ये आपको सक्सेस ही दिलाएगा। क्योंकि नंबर 8 जो सैटर्न है वो एक ऑनेस्ट जज की तरह काम करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है। ये आपको अपॉर्चुनिटी दिया है नंबर 8 कि आप सक्सीड करें और जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो अपना हेल्प खुद नहीं कर सकते, उसके लाइफ में चेंजेस लाए। तो एज लॉन्ग एज आप वो पर्पस फुलफिल कर रहे हैं, सैटर्न आपको देते रहता है। लेकिन जैसे ही आप सेल्फिश अपने बारे में सोचने लगते हैं, केवल मेरा प्रॉफिट आई, तो वहाँ पर जा करके दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। मैंने लाइफ पाथ नंबर 8 में इस बारे में पूरी डिटेल में बताया है, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरा भी। अब यहाँ पे जो सबसे प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि 44 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ 4 और 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपने चार्ट में ये चीज़ देखना होगा कि कहीं आपको जेल जाने वाला कॉम्बिनेशन तो नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं नेम नंबर में, इस ये जेल जाने वाले कॉम्बिनेशन को भी बताते हैं। अब हॉस्पिटलाइजेशन को भी बताते हैं, जो कि बंधन योग होता है। तो आपको अपने चार्ट में देखना होगा, अगर चेस्ट्रोलॉजी न्यूरोलॉजी से मिल करके बिफोर आप ये नेम नंबर अगर आपका है, तो कहीं वहाँ पर इस चीज़ को कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा है जेल जाने वाला। अगर वो है तो ये नेम नंबर आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जेल जाने वाले कॉम्बिनेशन को भी इंडिकेट। ओवरऑल जो ये है, तो डेफिनेटली जैसा मैंने पहले बोला कि 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो ये हेल्थ इशूज, क्रोनिक हेल्थ इशूज देता है। तो ओवरऑल ये नंबर अगर मेटेरियलिस्टिक कोर देखें तो पैसे वाइज तो ठीक है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ जैसे हेल्थ हो गया, लिटिगेशन हो गया, ये सबको इम्पैक्ट ये करता है। तो ये था मेरा एनालिसिस नेम नंबर 40। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ मैं एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स देता हूँ। और मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ, फेसबुक पे भी, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी टिप्स देता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
इन दिस एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि नेम नंबर कंपाउंड नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं चैलडियन अल्फाबेट के अनुसार। तो ये चैलडियन अल्फाबेट का वैल्यू है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ए आई जे क्यू आई, इसका वैल्यू 1 होता है, बी के आर का 2 होता है, सी डी एल एस का 3 होता है, लाइक दैट पी एफ 8 होता है। 9 के लिए हम लोगों के पास कोई अल्फाबेट नहीं है। तो अगर हम लोग नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं जयंत कुमार वत्सा के लिए, तो जयंत का नाम डालिए, अगर सारे वैल्यू को प्लेस करते हैं, जे के लिए 1, ए के लिए 1, वाई के लिए 1, ए के लिए 1, एन के लिए 5, टी के लिए 4, तो यहाँ वाले चार्ट से तो टोटल 13 आता है। तो कुमार के लिए उसी तरह 15 आता है, वत्सा के लिए उसी तरह 18 आता है। जब आप टोटल करते हैं तो ये 46 आता है। तो हमारा जो नेम नंबर है वो 46 है और सिंगल डिजिट में वो 1 कहलाता है। तो हम इसी 46 को हम लोग कंपाउंड नेम नंबर कहते हैं और सिंगल डिजिट में उसको हम लोग 1 कहते हैं। तो क्विकली देखते हैं, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं cosmic.astrobasic.com पे, तो न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है जब आप अपना नाम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो अंडर चैलेडियन टैब आपका जहाँ पे सारे नंबर्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो इस जगह पे कंपाउंड नंबर 46 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में दिखाया जाता है। डिस्क्राइब यू एज ए क्राउन्ड हेड, इट मीन्स दैट यू कैन अचीव क्राउन विद इफेक्टिव यूज ऑफ इंटेलिजेंस प्रूडेंस। तो ये आपको इसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं अगर आप लोग मेरा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इसके अलावा भी सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, भाग्यांक, मूलांक, नेम नंबर 1, तो 1 का फिर क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जो है मिल जाएंगे।